विराट दादा के जाने के गम में पाखी क्यों दुखी होगी? क्योंकि विराट दादा और पाखी भाभी एक दूसरे से प्यार करते। ये सम्राट की बीवी है? नहीं काकू, ये विराट की बीवी है। ये विराट से फोन से बात करी थी। पूजा, तुम विराट से बात करी थी ना? सच बताना। विराट के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो ना। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये काम तो विराट पहले कर चुका है। विराट, कुछ तो रह गया तेरा रिजॉर्ट में। कोई रह गया है, और उस कोई के बगैर मैं ना सिर्फ बेचैन हूँ, अधूरा भी महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ था जिंदगी में, बस एक कमी थी बाकी। पूरा करेगी उसको घर में आके बाकी। क्या कर रही हो अश्विनी? इतने जरूरी काम से विराट गढ़चिरौली गया हुआ है। पहले से बेचारा बहुत परेशान है। ये सब बातें पता कर उसे और परेशान करना चाहती हो क्या? निनाथ, मुझे एक बात बताओ। बोला। विराट किसके सबसे ज्यादा करीब है? मुझे? आई या बाबा के? ऑफ कोर्स अपने बाबा के। विराट की और मेरी ट्यूनिंग सॉलिड है, सॉलिड। इतनी सॉलिड के तुम सोच भी नहीं सकती। हम दोनों बाप बेटे कम, दोस्त ज्यादा है। इसका मतलब विराट आपको उसके दिल की हर बात बताता है, each and every secret. Of course, by all means. हम दोनों में ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं जो हम नहीं जानते। We share everything with each other. मुझे नहीं ऐसे लगता। वहम है आपका ये। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? दिल की बात कभी के विराट की ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सीक्रेट है जो तुम जानती हो और मैं नहीं जानता? शायद हम दोनों को ऐसे लगता है कि हम अपने विराट को एक दूसरे से ज्यादा जानते हैं, मगर सच तो ये है कि हम ही एक दूसरे को ठीक से नहीं जान पाए। क्या हुआ? प्रेस, फालतू की चीजों में ध्यान दोगी तो ऐसा ही होगा। अपने काम पर फोकस करो। आओ पुत्र लेखा, सम्राट नहीं है तो क्या हुआ? हम सब है ना, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ तो तुम्हारा भी मन लगेगा। आओ बैठो। अगर बस ना, फूड खाना भोजन तो मैं सर्व कर दूंगी, कल से तुम ही करना, हो ना वहीनी? अश्विनी, तुम अगर कुछ नहीं कर रही हो तो खाना सर्व करने में सोनाली की मदद करना। वही तो करने जा रही थी ना वहीनी। पता नहीं आप मेरे मन की बात कैसे जान जाती है। मैं ठीक हूं। मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? गुड जॉब काकू, दाडो सुट्टो। पत्र लिखा बेटा, वहीनी कह दी है ना, बैठ जाओ। पत्र लिखा, इस घर में वहीनी की बात कोई नहीं टालता। क्या हुआ अश्विनी, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? आपकी जबान जो चल रही है। मन पत्र लेखा, बस ना, आराम से बैठ के हम लोगों के साथ खाओ। आओ ना। आइए भाभी,
हॉट सीट आपका इंतजार कर रही है। हाय मोहित, बस अब आड़ा मैं सम्राट के लिए घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाना चाहती हूँ। जब से वो गया है दिल बेचैन सा हो रहा है, सोचती हूँ कि उसके नाम पे एक पूजा कर लेते। हाँ हाँ वहनी, आपने सोच लिया बस समझिए हो जाएगा। मक्खन मक्खन दो आपको। वहनी इसे कब रखनी है पूजा? दादा कल तो बिल्कुल भी नहीं, कल एक्चुअली मेरे एक स्पेशल फ्रेंड की पार्टी है। तुम पूजा में नहीं भी रहोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Really? What a relief. तो वही नहीं, कल सुबह ही जल्दी भटजी को बुला के पूजा करा लेते हैं। सच कहूं सम्राट के जाने के बाद मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओंकार कल सुबह जल्दी उठना, पूजा की सारी तैयारियां तुम्हें करनी है, ठीक है? होता। सत्यनारायण की पूजा तो सम्राट के आने के बाद ही होनी चाहिए ना? मस्त मस्त, पता था मुझे तुम बोलोगी। तुम्हें तो मेरी हर बात में मेरे खिलाफ जाना होता है। एक बार सबकी तरह मेरे हाँ में हाँ मिलाओगी, कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? एक बार नहीं बहनी, बार बार यही तो करती आ रही हूँ इस घर में। हार के तो फिर तय हो गया, कल की पूजा पक्की। सोनाली हो जाएगा, आपने बोल दिया ना बहनी, हो जाएगा। पत्र लिखा, तुम कल सम्राट के लिए व्रत रखना, उपवास करना। बहनी पहले इसे पूछ तो लीजिए कि वह सम्राट की सलामती के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखना चाहती भी है या नहीं। रखेगी व्रत? जरूर रखेगी, है ना पत्र लेखा? कल तुम व्रत जरूर रखना अपने जीवन साथी की सलामती के लिए। बहनी सम्राट की बात कर रही है, सम्राट की। सम्राट की ही बात कर रही हूं मैं, और किसकी बात करूंगी? विराट विराट दादा कब वापस आ रहे हैं? करिश्मा अपनी ड्यूटी अपना फर्ज पूरा करके ही लौटेगा मेरा बेटा। पता नहीं सम्राट को भी इतनी जल्दी जल्दी में क्यों जाना पड़ा। तुम्हें तो पता होगा ना पत्र लेखा, मैं कुछ समझी नहीं। इसे कैसे पता होगा? इससे बेहतर और किसे पता होगा? सम्राट से फोन पे बात हुई? सम्राट से बात हुई? विराट से तो हो गई होगी ना फोन पे बात?
पत्रलेखा ने विराट को कब फोन किया? क्या हवेनी, आप भूल गई क्या देवयानी की बातों को? देवयानी ने बोला था ये विराट के साथ बात कर रही थी फोन पे। तुम देवी की बात पर यकीन कर रही हो? और अगर पत्रलेखा ने विराट से फोन पर बात भी की तो परेशानी क्या है? किसी को हो ना हो, मुझे तो परेशानी होगी ना। मेरे बेटे विराट की शादी अभी होनी है, कोई नहीं है। क्या कह रहा, क्या चाहती हो अश्विनी? इसमें विराट की चिंता और उसकी शादी की बात कहां से आ गई? विराट बच्चा है क्या? बेटे की चिंता तो होती ही है ना, विराट मेरा बेटा है, माँ को तो बेटे की चिंता होती है। आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा, आपका अपना बेटा थोड़ी ना है कोई। इस घर में बहनी के साथ कोई भी इस तरह से बात करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सिर्फ इसलिए कि तुम विराट की मां हो, हमारा प्यार सर्वोपरि नहीं हो जाता? बहुत सारे लोग हैं इस घर में जो विराट से उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, नहीं है मेरा अपना बेटा, लेकिन अपना बेटा ना होते हुए भी मैंने कभी विराट और सम्राट को अपने बेटे से कम भी नहीं समझा। और अगर पत्रलेखा विराट के साथ फोन पर बात करती भी है तो अच्छा ही है ना, बातचीत से तो रिश्ते बनते हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना बहनी, यहाँ नए रिश्ते बनाए जा रहे हैं या पुराने रिश्तों को निभाया जा रहा है? वहनी पानी। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।